Namaste. How are you? I hope that you're doing fine for today. So, right now is another day which I'm going to react to another video. So, someone requested me for make reaction video in this, and yeah, he sent this link in my page. Curious about this. So, yeah, I hope that you will enjoy this video for today, and I hope that I will enjoy this video too. So, this video was entitled Bandipur, Nepal's Most Beautiful Town. Without any doubts, let's start the video. तो क्या लगता है आपको लोगों को यहाँ आना चाहिए? नहीं, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम हियर इन नेपाल विद द नेपाल टूरिज्म बोर्ड एंड वी जस्ट कंप्लीटेड द अन्नपूर्णा बेस कैंप ट्रैक। इट वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग। इफ यू हैवंट चेक द व्लॉग, गो एंड चेक इट आउट, इट्स लवली। दिस आफ्टरनून वी हैव अराइव्ड एट दिस ब्यूटिफुल टाउन कॉल्ड बंदीपुर इन सेंट्रल नेपाल, एंड यहाँ अभी हम जस्ट पहुंचे हैं और आई हैव दिस फीलिंग दैट आई एम गोइंग टू एब्सोल्युटली लव दिस प्लेस। स्टे ट्यून्ड, दिस इज गोइंग टू बी अ सुपरबली इंटरेस्टिंग व्लॉग। Hey everyone, my name is Antarik. I'm a 28-year-old Indian backpacking around the world, making friends and creating memories. 3 years and 7 countries later, अपनी कहानी तो अभी बस शुरू ही हुई है। बंदीपुर पहुंचने से पहले मैंने इस छोटे से हिल टाउन के बारे में कभी सुना भी नहीं था। पोखरा से 2 घंटे का ड्राइव करके हम यहाँ पहुंचे और कार ने हमें टाउन के एंट्री पे ड्रॉप किया, क्योंकि अंदर आप सिर्फ वॉक करके ही जा सकते हैं। एंड विद इन सेकेंड्स आई वॉज मेसमराइज्ड बाय द आर्किटेक्चर ऑफ बंदीपुर। नाउ बिफोर एनीथिंग एल्स, लेट मी शो यू द प्रॉपर्टी वी आर स्टेइंग एट। दिस इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। सो दिस कॉलोनियल स्ट्रक्चर इज आवर होटल, which already looks so cool. I'm just heading to my room. Wow. Which is actually this one. Nature. Ta-na-ta-na. That's the washroom that you see as soon as you enter. And this is the big bed that Mr. Sethi has acquired. With the view. या वो तो है वो। एंड यहाँ से कॉरिडोर से आप पीछे जाते हो तो यहाँ पे आपको बाथरूम दिखता है, एंड फिर ये मेरा रूम है। एंड अपना व्यू आज बालकनी से ऐसा कुछ दिख रहा है, यहाँ पे हिमालय नजर आते हैं जो आज नहीं दिख रहे क्योंकि क्लाउडी है। इस बेहतरीन प्रॉपर्टी में सेटल होकर टाइम हो चला था अब लंच का। यहाँ की गॉर्जियस आउटडोर सेटिंग में बैठकर हमें एक कॉन्टिनेंटल लंच सर्व किया गया जो हमारे रूम के बुकिंग में इंक्लूडेड था। इसके बाद मैं निकल गया इस टाउन के ओल्ड वर्ल्ड चार्म को एक्सप्लोर करके यहाँ के बारे में थोड़ा जानने के लिए। 18th सेंचुरी में काठमांडू के भक्तपुर से निवारी ट्रेडर्स ने बंदीपुर आकर इसको एक मेजर स्टॉपओवर पॉइंट बनाया था इंडिया तिब्बत ट्रेड रूट में। जब वो आए तो अपने साथ वो अपना हेरिटेज और आर्किटेक्चर भी साथ ले आए, जो सरप्राइजिंगली आज तक काफी वेल प्रिजर्व्ड है और इस टाउन को अपनी पहचान देते हैं। 1970s में जब काठमांडू को पोखरा से कनेक्ट करने पृथ्वी हाईवे बनाया गया तो इससे बंदीपुर पहाड़ के ऊपर आइसोलेट हो गया। 98 में एक 8 किलोमीटर के रोड ने फाइनली बंदीपुर को हाईवे से कनेक्ट किया और पिछले कुछ सालों में यहाँ टूरिस्ट आने लगे हैं। मैं तो इस टाउन के आर्किटेक्चर और ब्यूटी से इतना खुश हो गया था कि अगले कई घंटों तक बाहर घूमता रहा और शूट करता रहा। यहाँ के ब्रिक बिल्डिंग्स, स्लोपिंग रूफ वाला आर्किटेक्चर, कॉलोनियल स्टाइल स्ट्रीट लैम्प्स, वॉकिंग स्ट्रीट विद नो व्हीकल्स, फ्लावर्स और पेड़ों से ढके बिल्डिंग फसाड्स, इन सारी चीज़ों ने मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया था। दिन में तो प्यारा लग ही रहा था ये, अब रात को भी दिस इज सो ब्यूटीफुल विद ऑल द लाइट्स। द बेस्ट पार्ट अबाउट बीइंग हियर इज यहाँ पे ज़्यादा भीड़ बिल्कुल भी नहीं है। देर आर लॉट ऑफ फॉरेन बैकपैकर्स एंड लोकल्स भी थोड़े बहुत ही दिखे हैं अभी तक तो। एंड शाम हो गई है अब तो, काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स और कैफेज खुल गए हैं।
आई थिंक वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर समवेयर अराउंड अ बिट. एनीवेज हम कुछ खाएं ना खाएं यहाँ पे ये सब देखने में इतना ऑसम लग रहा है यार. दिस प्लेस इज रिमाइंडिंग मी ऑफ प्लेसेस लाइक होयान और से उबुद. मतलब मुझे यहाँ के किसी ने फोटोज अगर दिखाए होते ना और कहते कि ये नेपाल है, मैं तो कभी मानने को तैयार नहीं होता गूगल करे बिना. एंड फॉर डिनर वी हैव अ बुफे हियर एट द होटल जहाँ पे नेपाली खाना बनाए. एंड दिस मॉर्निंग वी हैव वॉकन अप टू अ वेरी फॉगी डे. हमें उम्मीदें तो थी कि हमें हिमालय दिखेगा पर हमें अभी अपने सामने के 10 फुट का रोड भी नहीं दिख रहा. सो एनीवेज वी आर हेडिंग टू वेयर आर वी हेडिंग नो वन इज इंटरेस्टेड. वी आर हेडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ अ केव. आई एम 100% श्योर वी आर नॉट गोइंग इन टू द केव. And we are heading to the monastery. That's actually the primary objective of this mission right now. This mission of walking in the clouds. So that's the way to the Bandipur Siddh Gufa. यहाँ नीचे काफी दूर जाना है. 2 घंटे लिखा है ऐसा उस पे. हम नहीं जा रहे. And Bandipur Swing से होते हुए हम गोम्पा पहुंच चुके हैं. The monastery is still under construction and जो lady इसको बनवा रही है वो हमें मिली अंदर and उन्होंने हमें ये orange भी दिया और हमसे काफी बातें की. shoot करने allow नहीं किया उन्होंने. उन्होंने बोला कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ अब मेरे को shoot मत करो. तो क्या लगता है आपको लोगों को यहाँ आना चाहिए? नहीं. This beauty is meant only for some people who can appreciate it. बाकी लोग आके bore हो जाएंगे. True. Very very true. So, क्या लगता है लोगों को यहाँ पे कितने टाइम के लिए आना चाहिए और क्या करना चाहिए? It's subjective. अपने इंटरेस्ट पे. मेरे जैसे लोग इधर 8 महीने रह सकते हैं. Yes. इसके जैसे लोग इधर 1 महीना रह सकते हैं. किसके? तेरे जैसे लोग. 1 महीना? तूने बोला? बोर हो जाऊंगा. अच्छा हाँ देखो. ये कितना दिन? 10 दिन रह सकता है शायद. 3-4 दिन इज ओके. देखो. सो इट्स सब्जेक्टिव. Like I said, it's yeah. subjective. And Swati madam jaise log? Forever. Forever. Cool. Inko yahan pe koi job wob de do yaar. What is this Victorian lamppost doing in a Hindu temple in Nepal? है तो ये काफी छोटा सा एक टाउन बट आप चाहे तो यहाँ पे आराम से यू कैन वॉक अराउंड द एरियाज. देयर आर सेवरल ट्रेल्स गोइंग अप एंड डाउन द हिल्स. There is a waterfall, there is a cave जहाँ हम नहीं जा पाए सुबह. And there are several temples right in the center of town. And थोड़ा सा walk करके आप कई सारे छोटे छोटे नेपाली temples visit कर सकते हैं. And हाँ, अगर view clear होता तो हमें हिमालय view भी दिख जाते बहुत awesome से, जो अभी तक हमें नज़र नहीं आया sadly. And क्योंकि view clear नहीं तो इसलिए sunset और sunrise का भी कोई point नहीं है. Bandipur is beautiful, you must come and spend some time here. So yeah, that's about it for this video guys. I hope you enjoyed it. Make sure you like it and नीचे comment करके जरूर बताना कि आपको इस beautiful नेपाली town के बारे में पता था या नहीं. और हाँ, please subscribe to my channel if you haven't yet. Bye bye, I'll see you very soon. आज dinner पे होगा मिलन इंडिया और नेपाल के लोगों और खाने का. लोग कौन है? आप लोग? हम नेपाली हैं. यार खाना नेपाली है, लोग इंडियन है. लोग कैसे पूछ रहे हैं? So yeah, I really like the way she said that this place or is it this place is meant for the people who can appreciate it. So yeah, she's right.
So yeah, I really like the way she said that. I really like the hotel, which you can really say I really like the architects in there. And if I am not mistaken, it's just look like I seen in the video that it's look like in the Switzerland. Yeah, in the Switzerland. And yeah, if I am not mistaken, which I seen a video like look like that kind of hotel. Wow, I really love it, and most especially the architects of that. So yeah, I really enjoyed this video for today, and I hope that you enjoy it too. So once again, I'm your Teresa. God bless you and have a nice day.